नमस्कार दोस्तों, ये फरीदाबाद दीपावली इनक्लेव पार्ट 3 के लोग हैं। कई दिनों से बार बार पावर कट से परेशान हैं। पल्ला बिजली दफ्तर बिजली मांगने पहुंचे हैं। हमने इनकी परेशानी सुनी, देखिए। कम से कम 20 दिन होगा बिजली परेशान कर रही है। इनमें तीन चार बार लड़के आते हैं, काम करके जाते हैं और कोई सुनाई नहीं होती। कम से कम 10 बार एसडीओ साहब को बोल लिया, किशनपाल गुजर से फोन करवा के बोल लिया, राजेश नागर से फोन करवा के बोल लिया कि भाई इनकी लाइट ठीक करो। वो कहता है मैं इसका ट्रांसफार्मर खराब है, वो ठीक करवाऊंगा। आज जेई साहब को बोला तो बोला एसडीओ को बोला है तो एसडीओ करवाएगा, मैं नहीं करवाऊंगा। अभी एसडीओ को बात करी आपी जी ने तो वो कह रहे आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ और करवा लो। कैसे करवाते हो? धमकी दे भैया, ये सारी पब्लिक इस टाइम बिजली दफ्तर के बाहर खड़ी है। कोई सुनवाई होने को राजी नहीं है हमारी। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सारी प्रॉब्लम पानी की है। सारी पब्लिक यहाँ इस टाइम बिजली दफ्तर बाहर खड़ी है। कोई सुनवाई का प्रावधान नहीं है हमारा यहाँ बिल्कुल भी। पीने के लिए क्या, धोने के लिए पानी नहीं है। बिजली बिल इनका 2 महीने में 10,000 आ जाता है और लाइट एक दिन भी नहीं आती। शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? चावल थोड़ा पीछे हो ना, बंद है यार। हाँ बोलो भाई। हम बिजली विभाग से निवेदन करते हैं, जो 15-20 दिन से हम लोगों के बच्चे इतना परेशान है, जो लाइट के बिना, जो रोज दिन प्रतिदिन हम लोग परेशान करते हैं। जियो साहब को सबको फोन कर लिया, वो कह रहा है जिसको फोन करना कर लो, ये लाइट ऐसी आती रही। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ से महोदय से निवेदन करता हूँ जो हमारे बिजली ठीक ठाक आए। हमारे बच्चे पढ़ते हैं झोला चार बिहारी पार चोर। ये भाई बिजली की दीपावली कॉलोनी से सारे कॉलोनी वासी आए हुए बिजली की प्रॉब्लम के लिए। 15-20 दिन से बिजली का यही ड्रामा हो रहा है और यहाँ आने पर कोई सुनवाई नहीं होती। लाइनमैन कहता है जिसके पास जाना है जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। एसडीओ बोलता है, एसडीओ बोलता है। हमारे यहाँ के गली के प्रधान जी भी आए हैं। कहाँ गए अंकल? प्रधान जी आ गए। आओ अंकल बोलो, क्या प्रॉब्लम है गली में? एसडीओ साहब ने बोला है कि जिसके पास जाना वहाँ चल जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है भैया। हम तो धरना देके बैठेंगे पूरी रात। ये सारे कॉलोनी वासी आए हुए हैं, पागल हो भैया। फरमान का मुर्गा काट रहा था, पता नहीं।